अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार एंड वेलकम टू जाई गुड फार्म। आज का वीडियो एक कॉमन प्रॉब्लम जो गोट फार्मिंग में आता है, फीमेल का कॉमन प्रॉब्लम है, जो गोट फार्मिंग कर रहे या ब्रीडिंग कर रहे या घर पे शो कर रहे, तो ये कॉमन प्रॉब्लम ये आ ही जाता है, थन का प्रॉब्लम, जिसको इंग्लिश में अडर बोलते या अपने कॉमन लैंग्वेज में अचल भी बोलते, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम आता ही है वो गोट फार्मर को टाइम टू टाइम, ये कभी ना कभी ये चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए और कैसा किस तरीके से मैंने किया है और क्या मेरे को रिजल्ट मिला है, वो आगे वीडियो में मैंने कम्प्लीटली बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए आप, ठीक है। एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है और बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। इसको एक ही है कि आपको ये इसको फर्स्ट स्टेज में ही अपन ट्रीटमेंट करें तो आगे जो मस्टाइटिस का प्रॉब्लम होता है या जिसको हिंदी में अपन थनेला बीमारी भी बोलती है, तो उससे अपन बच सकते हैं और बहुत आसानी से और फर्स्ट क्लास एकदम, ये 100% इससे जानवर क्योर भी हो जाता है और एकदम कोई हार्ड एंड फास्ट भी ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। और अपना बकरी का थन अल्लाह की करम से यानी ये ट्रीटमेंट से एकदम क्योर होता है और बच भी जाता है, नहीं तो फिर वो थन का आगे बहुत मसला हो जाता है। तो आगे वीडियो में देखिए कि किस तरह से मैंने ट्रीटमेंट किया है और मेरे बकरी को क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो ये जैसा देख रहे हैं आप, ये बकरी ने कल मेरे बच्चा दिया, तो इसके थन में सूजन है, जैसे आप देख रहे हैं इसका थन में सूजन है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों को आता है ये प्रॉब्लम, तो इसके भी सूजन है, अच्छी स्वेलिंग है, पर दूध आ रहा है, अल्लाह की करम से इसमें दूध आ रहा है। तो इसको डॉक्टर साहब ने मेरे को जो प्रिस्क्रिप्शन बताया है तो उसको हमें अभी यूज़ करूँगा, ट्रीटमेंट करूँगा और जो भी रिज़ल्ट आता है वो आपके वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ये पहला है ऐसा, यानी इसको जो भी इन्फेक्शन हुआ है अंदर से, स्वेलिंग हुई है, सूजन है, तो ये इस तरह से है अभी। और जब अच्छा हो जाएगा ट्रीटमेंट करने के बाद तो आगे वीडियो में भी वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और मेडिसिन भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि क्या क्या मैंने इसको मेडिसिन यूज़ किया था। ये 3 दिन के बाद का वीडियो है बकरी का, जैसा आप देख सकते हो कि इसका थन एकदम नॉर्मल हो गया, जो ट्रीटमेंट किया मैंने वो उसने काम कर दिया, वो दवा ने, तो ये एकदम नॉर्मल हो गया, आप देख सकते हो। ये प्रॉब्लम आता ही है अपने को, तो उसको जल्दी से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हो जाता है नॉर्मल थन, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। तो इसको मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था और वो हिसाब से इसको ट्रीटमेंट किया था मैंने। इसको मैंने 1 ग्राम मोनोसेप मारा था, 3 ml इसको मेग्लोडाइन मारा था और 2 ml इसको लेसिक्स मारा था। और रात को हम लोग इसको विस्प्रेक, एक ट्यूब आती है, मलम आता है, वो लगाते थे। तो ये दवा ने अच्छा काम किया, इसका रिजल्ट है ये, तो ये आपको बताने का था। तो बकरी मेरी अल्लाह की करम से एकदम नॉर्मल हो गई है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।